हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप मैथ पॉइंट में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम सर्वनाम से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो पहले परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है सर्वनाम, बी है विशेषण, सी है क्रिया और डी है अव्यय। तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने शब्दों को क्या कहते हैं हम? तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सर्वनाम है, हमारा ऑप्शन ए है विकारी शब्द, ऑप्शन बी है अविकारी शब्द और सी है दोनों और डी है दोनों नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम भिखारी शब्द है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन नंबर पे, तीन नंबर देखते हैं। तीन नंबर क्या है? अशुद्ध वाक्य चुनिए। तो हमारा ऑप्शन ए है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ऑप्शन बी है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ और ऑप्शन सी है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ऑप्शन डी है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं तेरे को घड़ी दूंगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चार नंबर देखते हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो यहाँ तुम के नीचे रेखांकित है, तो तुम क्या है? हमारा ऑप्शन है ए उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम, बी है मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम, सी है अन्य पुरुषवाची सर्वनाम और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, तुम क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांच नंबर, पांच नंबर है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो क्या है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? हमारा ऑप्शन ए है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी है अन्य पुरुष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुझे क्या है? उत्तम पुरुष है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छः नंबर है सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है चार, ऑप्शन बी है पाँच, ऑप्शन सी है छः, ऑप्शन डी है सात। तो हमने कितना बताया था? सर्वनाम के छः भेद होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला चलते हैं। सात नंबर पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? हमारा ऑप्शन ए है क्या, ऑप्शन बी है कुछ, ऑप्शन सी है कौन और ऑप्शन डी है यह। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा निश्चयवाचक सर्वनाम का? तो ऑप्शन नंबर डी यह क्या है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आठ नंबर देखते हैं हम। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, देखना है हमको कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए है कौन, ऑप्शन बी है जो, ऑप्शन सी है कोई और ऑप्शन डी है वह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम? ऑप्शन नंबर सी, कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए नौ नंबर देखते हैं। नौ नंबर क्या है? इनमें सर्वनाम का विकारक शब्द है। ठीक है, हमें देखना है सर्वनाम का विकारक शब्द कौन सा है इनमें से। तो ऑप्शन ए है लिंग, ऑप्शन बी है वचन, ऑप्शन सी है कारक और ऑप्शन डी है तीनों। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों हैं हमारा क्या है, सर्वनाम का विकारक शब्द है। ठीक है, लिंग भी है, वचन भी है, कारक भी है। ठीक है, दस नंबर देखते हैं। इनमें से कौन कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं है? ठीक है, इसमें से देखना है कि कौन कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन ए है कर्म,
ऑप्शन बी है कर्ता, और ऑप्शन सी है संबोधन, और ऑप्शन डी है संप्रदान। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी संबोधन कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त तो नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम छाटिए। इसमें से क्या है, हमको संबंधवाचक सर्वनाम छाटना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है मैं, तुम, हम। ऑप्शन बी है यह और वह। ऑप्शन सी है कोई, कुछ, और ऑप्शन डी है जो, सो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो और सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। 12 नंबर, सर्वनाम के विकारक हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के विकारक देखना है हमको, वचन, कारक, दोनों या दोनों नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, वचन और कारक विकारक हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर, 13 नंबर में है आप भले तो जग भला। इस वाक्य में आप है। ठीक है, तो हमें देखना है कि आप इसमें क्या है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है मध्यम पुरुषवाचक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप क्या है? आप हमारा निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आपका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के लिए होता है। चलिए अगला देखते हैं हम। 14 नंबर, कोई बैठा है। ठीक है, इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। कोई क्या है? कोई के नीचे रेखांकित है, तो कोई क्या है इसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी है निजवाचक, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक, और ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो कोई क्या है? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। 15, मत छेड़ो आप ही चला जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। ठीक है, आप क्या है इसमें वो हमको बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी आप पिछले क्वेश्चन में देखे हैं कि आपका प्रयोग कहाँ होता है निजवाचक सर्वनाम के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। 16 नंबर, जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में जो सो है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? जो और सो क्या है? संबंधवाचक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा 17 नंबर, तुम्हें क्या चाहिए। रेखांकित का सर्वनाम भेद है, तुम्हें क्या है वो हमको देखना है। तो हमारा ऑप्शन है ए निजवाचक सर्वनाम, बी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी है संबंधवाचक सर्वनाम, और डी है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि तुम्हें के साथ क्या लगा है ना, इसलिए ये क्या हुआ? प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए ये हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए अगला देखते हैं हम। 18 नंबर, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ठीक है, तो हमें देखना है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए है आप पर जाइए। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ घर होगा। ठीक है, आप घर जाइए।
ऑप्शन बी है आपकी पुस्तक कहाँ है, ऑप्शन सी है आप जाने आपका काम जाने, और ऑप्शन डी है आप भले तो जग भला। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा निजवाचक सर्वनाम का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम 19 नंबर देखते हैं हम। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण, और ऑप्शन डी है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा 19 नंबर का, तो इसका होगा सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यह चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्या, ऑप्शन बी है कुछ, ऑप्शन सी है कौन, और ऑप्शन डी है यह। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम 21 नंबर, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो क्या देखना है हमको अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है ए कौन, ऑप्शन बी है जो, ऑप्शन सी है कोई, और ऑप्शन डी है वह। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला चलते हैं हम 22 नंबर, यह काम मैं आप कर लूँगा। ठीक है, यहाँ गलत टाइप हुआ है, नहीं सही है, यह काम मैं आप कर लूँगा, इस पंक्ति में आप क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है संबंधवाचक, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है निश्चयवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आप क्या है, आप निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम 23 नंबर, सो है। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है संबंधवाचक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सो क्या है, सो संबंधवाचक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम 24 नंबर, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। ठीक है, हमको देखना है कि किस में सभी सर्वनाम हैं जो प्रश्नवाचक हैं। तो ऑप्शन ए है कौन, क्या, किसने, ऑप्शन बी है जो, कोई, वह, ऑप्शन सी है जिनका, जो, किनका, और ऑप्शन डी है जिन्होंने, उन पर, उसकी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ए में क्या है, सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। ठीक है, इस वाक्य में सर्वनाम को पता करना है कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है निजवाचक, और ऑप्शन डी है संबंधवाचक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इसमें क्या है, आप हैं, यानी निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम 26 नंबर, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। ठीक है, हमें सर्वनाम देखना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक, और ऑप्शन सी है निश्चयवाचक, और ऑप्शन डी है पुरुषवाचक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम 27 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम देखना है हमको, ऑप्शन ए है घर, ऑप्शन बी है आप,
ऑप्शन सी है पहाड़ और ऑप्शन डी है नदी। ठीक है, तो सर्वनाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी आप क्या है? आप निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। 28 नंबर, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। तो मेरी कौन सा सर्वनाम है इसको हमको बताना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निजवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? यह मेरी पतंग है यानी निश्चित है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। 29 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन ए है यह, ऑप्शन बी है सभा, ऑप्शन सी है मनुष्य और ऑप्शन डी है हिमालय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ए क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है आज बरसात होगी, ऑप्शन बी है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ऑप्शन सी है घर का काम कर लो और ऑप्शन डी है सीमा और रीमा बने हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो किस में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला चलते हैं हम। 31 नंबर, यह मकान मेरे भाई का है, इसमें इसमें देखना है हमको कि यह कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, ऑप्शन सी है विशेषण और ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी संकेतवाचक विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। 32 नंबर देखते हैं, आप की सब राह देख रहे हैं, रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है, यानी आप में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आप है यानी निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। 33 नंबर, हम ताजमहल देखने जाएंगे। ठीक है, इसमें रेखांकित क्या है? हम क्या है? हमको वही देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो हम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन सी है निजवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है संबंधवाचक सर्वनाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। चलिए अगला देखते हैं हम। 35 नंबर, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। 36 नंबर, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक और ऑप्शन डी है निजवाचक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, कोई क्या है?
अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तुम्हारा ऑप्शन ए है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी है अन्य पुरुष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा उत्तम पुरुष, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, ठीक है। तो इसमें देखना है हमको कि कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है मनवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, कोई क्या है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम, 39 नंबर, कोई कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी है गुणवाचक, ऑप्शन सी है निजवाचक और ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो क्या है, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम, वह आप ही चला गया, ठीक है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, यानी हमको देखना है कि वह किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है संबंधवाचक, ठीक है। तो वह क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वह आप ही चला गया, यानी वह के साथ आप जुड़ा हुआ है, तो क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए है किसी से, ऑप्शन बी है किन से, ऑप्शन सी है किन्हीं से और ऑप्शन डी है किनको। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, किन्हीं से, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन होगा किन्हीं से। चलिए अगला देखते हैं हम, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 12। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ी में से उत्तम पुरुष वाली जोड़ी को पहचानिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए है मैं हम, ऑप्शन बी है वह वे, ऑप्शन सी है तुम और ऑप्शन डी है इन्होंने, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सी होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, तू और तुम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द है, ठीक है। ए नींद, बी रोग, सी सफाई और डी कौन, ठीक है। तो सर्वनाम शब्द कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, कौन है, कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित
निम्नलिखित दिए गए वाक्य को उचित सर्वनाम शब्द की सहायता से पूरा कीजिए। क्या नाम है? इसके आगे हम कौन सा सर्वनाम लगाएंगे? तो हमारा ऑप्शन है ए तुम्हारा, ऑप्शन बी है तुम्हारी, ऑप्शन सी है तुम और ऑप्शन डी है ये सभी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको हम वहाँ रिक्त स्थान पे भरेंगे तो क्या होगा? तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिए। विद्या का बहुवचन हमको देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बिंदिया, ऑप्शन बी है बिंदी, ऑप्शन सी है बिंदु और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी है निजवाचक और ऑप्शन डी है संयुक्त सर्वनाम। तो सब कोई कौन सा सर्वनाम है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सब कोई क्या है? संयुक्त सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? यानी हमको आपका देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी है निजवाचक, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक और ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक। तो आप क्या है? आप होगा निजवाचक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। 50 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वह बहुत अच्छा लड़का है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हम